आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गोपाल पॉल। आई एम गोपाल पॉल, आई एम फैकल्टी फॉर फिजिक्स। और आज जो है हम लोग क्लास टेंथ का पहला टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज इलेक्ट्रिक करंट। एज यू नो, इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहला चैप्टर जो क्लास टेंथ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका लिंक क्या है, इसका ही लिंक से हर एक यूनिट जो आएगा आगे, विच एवर यूनिट इज गोइंग टू कम, विल बी लिंक डायरेक्टली टू दिस टॉपिक। सो ये सबसे पहला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो लेट अस बिगिन। देखो, तो क्लास टेंथ में इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग को करंट के बारे में बहुत पहले से नॉलेज है कि करंट क्या चीज है, लेकिन उससे भी पहले एक चीज का जानकारी हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है, विच इज नोन एज चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। चार्ज चार्ज मतलब क्या होता है? चार्ज मतलब चार्ज एक क्वांटिटी है, एक सबसे माइन्यूट क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड के ऊपर में आपका करंट का डिपेंडेंसी है। लेकिन अभी भी करंट का हम लोग को स्पेसिफिकेशन पता नहीं है कौन सा करंट का बात करें। पहले हम लोग चार्ज को देखेंगे, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से। तो सबसे पहले मैं चार्ज का एक बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द इनहेरेंट सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट विच मेक्स करंट टू फ्लो थ्रू इट। इसका मतलब क्या है? इनहेरेंट सोर्स। इनहेरेंट सोर्स का मतलब क्या है कि अगर कोई पावर सोर्स है, जैसे कि हम लोग कॉमनली जानते हैं बैटरी को, बैटरी के अंदर में क्या रहता है? चार्ज ही तो रहता है। उसी से जन्म किसका होता है? फ्रॉम दैट वी कम टू द कंक्लूजन दैट सम अमाउंट मेगर और मे बी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मे बी फ्लोइंग। सो ये बेसिक डेफिनेशन है। इसका दो प्रकार का पोटेंशियलिटी होता है। चार्ज कैन बी बेसिकली क्लासिफाइड into two types। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। बेसिकली क्या क्या होता है? पहला होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड क्या होता है आपका? नेगेटिव चार्ज। ये दो ही प्रकार का चार्ज होता है जो कोई भी क्वांटिटी में हम लोग पाते हैं। सो यू कैन लाइक मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग्स। दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स टू स्टार्ट अप। बहुत ही बेसिक चीज है। दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। ठीक है ना? पॉजिटिव को चार्ज हम लोग, नेगेटिव चार्ज को हम क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिटिव प्लस ई से लिखते हैं। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, क्लासिफिकेशन है चार्ज का। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं नाम इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि आप पॉज करके वीडियो को कभी भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सो देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड अपॉन राइट नाउ। सो यू कैन पॉज द वीडियो व्हिच एवर मोमेंट यू वांट एंड यू कैन स्टार्ट राइटिंग ऑन नोटिंग थिंग्स। ओके, तो चार्ज में देखो, हम लोगों ने देख लिया इसका क्लासिफिकेशन। आप देखो, चार्ज जो होता है उसका एक एलिमेंट्री वैल्यू होता है। द एलिमेंट्री एलिमेंट्री और बेसिक, ब्रैकेट में फंडामेंटल भी लिख देता हूं। फंडामेंटल मतलब क्या है कि सबसे छोटा अमाउंट जो होता है। एलिमेंट्री और बेसिक और फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज इज प्लस माइनस 1.6 प्लस माइनस इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कोलम का हो सकता है चार्ज। ठीक है, प्लस माइनस 19 कोलम का चार्ज हो सकता है। सो दिस, सॉरी, प्लस माइनस इधर आएगा। ये अमाउंट जो होता है, ये अमाउंट चार्ज कौन होल्ड करता है? ये अमाउंट चार्ज होल्ड करता है एक इलेक्ट्रॉन। कौन होल्ड करता है? इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है इस अमाउंट के चार्ज को। क्या है ये? एलिमेंट्री वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, जिसको हम लोग फंडामेंटल भी कहते हैं।
तो इसी वैल्यू ऑफ चार्ज से, इसी वैल्यू ऑफ चार्ज से सारा चीज का जन्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। करंट देखिए, करंट का सिंपल मीनिंग ये नहीं होता है कि करंट मींस ओनली इलेक्ट्रिक करंट। करंट बहुत प्रकार के हो सकता है, वाटर करंट हो सकता है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ करंट। हाउएवर सबसे बेसिक फॉर्म जिसका हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, व्हिच ऑरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है तभी क्या होता है स्टूडेंट्स, तभी करंट फ्लो होता है, जिसका एलिमेंट्री वैल्यू कितना है, प्लस माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि सर कूलम क्या चीज है। कॉलम जो है ये आपका यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, किसका, इट इज यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन किसका है, रिप्रेजेंटेशन आपका किसका है, चार्ज का है, ठीक है। यूनिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन चार्ज का है, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलम। अब हम लोग करंट के डेफिनेशन पे आते हैं। अभी मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको बहुत मुश्किल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो ये सारा चीज जो है ना इसका ही, इसी का बेसिस है जो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में मैग्नेटिज्म में या तो आपका 12th में भी इसका एक्सटेंशन है, 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक होगा उसी का एक्सटेंशन है ये। आज आप पढ़ रहे हो ये चीज, ये फाउंडेशन है, इसका ही एक्सटेंशन आपको आगे चल के मिलेगा। सो इट इज अ लॉन्ग रन थिंग, ठीक है ना। तो बहुत आगे जाना है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अभी मैं डेफिनेशन पे आ जा रहा हूं, डेफिनेशन पे आ जा रहा हूं। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर। इट इज डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द रेट। रेट इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, रेट, व्हाट डज इट मीन, रेट मतलब क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में किसी चीज को अगर एक्सप्रेस किया जाए तो किसके रेस्पेक्ट में, माइंड स्टूडेंट्स, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक क्या, करंट। तो इसका हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखेंगे, मैथमेटिकली क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। मैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आई, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर तो डायरेक्टली आई और क्यू और टी लिख रहे हैं। सो व्हाट शुड आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, जैसे कि आपको पता चल गया था अभी तक कि चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, ठीक उसी तरह से करंट का भी एक यूनिट निकल के आता है। आई जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। तो करंट का भी यूनिट आता है, एंड द यूनिट फॉर करंट इज, यूनिट फॉर करंट इज एम्पियर, क्या क्या, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर है करंट का यूनिट, नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट डाउन द थिंग्स, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो अभी तक हम लोगों ने एक मैथमेटिकल डेफिनेट एक फॉर्म लिया है कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को हम लोग डिफाइन करेंगे, देखिए किसको डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर को, 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, मतलब यूनिट वैल्यू ऑफ एम्पियर, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ करंट फॉर विच 1 कूलम ऑफ
charge flows through any conductor, mind it, conductor कह रहा हूं मैं बार बार, क्या कह रहा हूं? Conductor. Conductor का कहने का मतलब क्या है कि जो चीज करंट को फ्लो करने में मदद करता है उसको, जो पास करता है, विच एवर सब्सटेंस विच लेट्स द करंट टू पास थ्रू इज नोन एज कंडक्टर. सो चार्ज फ्लोस थ्रू कंडक्टर, एनी कंडक्टर इज, बस का कंडक्टर नहीं है ध्यान रखना, एनी कंडक्टर इज नोन एज वन एम्पियर. क्या एम्पियर? वन एम्पियर. तो ये वन एम्पियर का डेफिनेशन आपके सामने, ठीक है? अभी तक देखिए क्लास नाइन्थ के लास्ट पार्ट में आई हैव टॉट यू थिंग्स रिलेटेड टू इट, इसका भी रेफरेंस आएगा, लेकिन पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे किसमें? बेसिक से. बेसिक्स जानना अपने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये बेसिक का स्टार्टिंग पार्ट था. वन एम्पियर तो हम लोग देखे, अब एक नया टॉपिक इसमें आएगा, क्या पता है? क्या आएगा बोलो, किसी को अंदाजा? देखो किसी को अंदाजा है अगला टॉपिक क्या होगा? वोल्टेज. हम लोग दो चीज को हमेशा रेफरेंस में लेते हैं, जैसे कि घर में भी आप बात करते होंगे तो करंट के साथ में और एक चीज क्या आता है? वोल्ट आता है. तो दोनों चीज को हम लोग को स्टार्टिंग में जानना बहुत जरूरी है. सबसे पहले हम लोग टीपीडी कहते हैं इसको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट फॉर्म में इसको टीपीडी भी कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. अब क्या है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? लेट मी ड्रॉ अ सर्किट. सबसे पहले सर्किट का नॉलेज हो सकता है आप लोग को हो ना, तो सर्किट क्या चीज होता है? एक बेसिकली एक कनेक्शन होता है जहां पे हर एक कंपोनेंट आपको मिलता है. क्या क्या? एक लोड, कुछ भी लोड, जैसे कि बल्ब मिल जाएगा, कनेक्टिंग वायर्स मिल जाएंगे, की मिल जाएगा, आपको पावर सोर्स मिल जाएगा, दैट इज ईदर अ सेल और अ बैटरी. तो वो ड्रॉ करने जा रहा हूं, क्योंकि ड्रॉ नहीं करूंगा तो आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा ये है क्या चीज. सारा चीज को हम लोग डिटेल्स में बाद में भी देखेंगे, पहले एक बेसिक सर्किट डायग्राम में बना रहा हूं. देखो रेजिस्टेंस लिखने का मतलब क्या है? ये मैंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है. रेजिस्टेंस का मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो क्या करता है, पावर को यूज करता है, जो रेस्ट्रिक्ट करता है. किसको रेस्ट्रिक्ट करता है? अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, मतलब ही है रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. तो उसको जो रेस्ट्रिक्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस कोई भी फॉर्म में हो सकता है, हो सकता है बल्ब हो सकता है कोई भी फैन हो, एनीथिंग. सो ये बेसिक एक डायग्राम है. अब इसमें क्या है, ये पॉइंट मैंने ए मार्क कर दिया, ये पॉइंट मैंने बी मार्क कर दिया. सो दिस इज सपोज एक्टिंग टू बी एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज एज नेगेटिव टर्मिनल. किसका रिप्रेजेंटेशन है बच्चों बता दो? ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सेल सॉरी सेल नहीं, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है. मल्टीपल सेल ऑकरिंग साइमल्टेनियसली इन सीरीज इज नोन एज सेल और बैटरी. इसको क्या कहते हैं? बैटरी. अब बैटरी का दो टर्मिनल होता है ए और बी. क्या टर्मिनल कितना होता है? दो. तो दो टर्मिनल ए और बी के बीच में एक चीज एग्जिस्ट करता है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो उसी चीज को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो अभी थोड़ा बहुत मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है, लेकिन पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे. देखो डेफिनेशन कहता है इट इज डिफाइंड एज द नंबर, सॉरी इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज. चार्ज मतलब ही क्या है? अभी जस्ट बोला था मैंने, इधर में चार्ज मैंने बताया दो प्रकार का होता है, दो टाइप का बताया ना, एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है? नेगेटिव होता है. लेकिन हम लोग इधर में किसका रेफरेंस ले रहे हैं? नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि करंट का मतलब ही क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन
point to another in a closed circuit. Mind you, closed circuit बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, closed circuit, मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है, फिर बोल रहा हूं. सर्किट मतलब क्या होता है, ये सर्किट में क्या होता है, सारा चीज कनेक्टेड होता है, ठीक है. क्या क्या कनेक्शन में है आपको दिखाई दे रहा है. एक तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि बैटरी है, की है, एम मीटर है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे. रेजिस्टेंस का ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज दैट. रेजिस्टेंस मतलब ही है एनीथिंग व्हिच यूजेस करंट और रेस्ट्रिक्ट्स इट्स फ्लो, रेस्ट्रिक्ट्स इट्स फ्लो, ठीक है. ये दिखा रहा है. अब इसका डेफिनेशन पे आते हैं, क्या बोल रहा है. इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए क्लोज्ड सर्किट, ठीक है. अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी आएगा, ठीक है. हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे इसके ऊपर में. मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं भाई. आई गेस यू हैव नोटेड डाउन थिंग्स, आई जस्ट अ पार्ट, यू कैन नोट इट डाउन, ओके, पॉजिंग द वीडियो. तो देखिए क्या है, अभी तक हम लोगों ने सर्किट के रिप्रेजेंटेशन से तो देख लिया कि डेफिनेशन वाइज क्या कहता है. कहता है कि इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी होगा. मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ. देखो मैथमेटिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या, चार्ज ट्रांसफर. चार्ज क्या, ट्रांसफर. ट्रांसफर मतलब एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में शिफ्टिंग. वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्ट, वोल्टेज, जिसको हम लोगों ने अभी तक टीपीडी लिखा था, क्या लिखा था, टीपीडी. व्हाट डज इट मीन, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो ये है आपका एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, V is equal to W upon में Q. नोट कर दीजिए बॉस. देखिए मैं हर बार कोई भी मैथमेटिकल एस्टैब्लिशमेंट लिख रहा हूं, एवरी टाइम आई एम राइटिंग इट, आई एम बॉक्सिंग इट आउट, यू शुड डू द सेम. व्हाई, बिकॉज़ दिस विल हाईलाइट थिंग्स, मन में दिमाग में बस जाएगा ये चीज बहुत लंबे टाइम के लिए. तो देखो, तो ये तो आउटकम आ गया अपने पास. अब क्या है, इसका हम लोग सर्किट के साथ रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि सर्किट के साथ रिप्रेजेंट करके देखेंगे दो पॉइंट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे. एक छोटा सा सर्किट बनाता हूं मैं, सपोज इट सेम रेजिस्टेंस आ गया, एमीटर आ गया. अभी और एक चीज है, एमीटर वोल्टमीटर का भी मैं बताऊंगा क्या है, ये आगे आने वाले टॉपिक में आएगा. ये आ गया आपका क्या, बैटरी. ये आ गया आपका ये. तो हमेशा एक चीज याद रखना, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से आता है, निकल के जाता है, वापस कहां पर एंटर करता है, नेगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है. तो ये फ्लो चार्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए सर्किट. अब इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इस पॉइंट को बी. सपोज इट, मैं लिख रहा हूं, सपोज पॉइंट ए इज एट अ पोटेंशियल वी ए एंड पॉइंट बी इज एट अ पोटेंशियल क्या वी बी सच दैट वी ए इज ग्रेटर देन. इसका मतलब क्या है कि ये सर्किट में ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है किससे, बी पॉइंट के पोटेंशियल से. तो अभी इसी फॉर्मूला को जो हम लोगों ने अभी लिखा था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. कैसे, देखना. ये क्या कह रहा है कि बेसिक डेफिनेशन क्या कह रहा है कि चार्ज को इस पॉइंट से पूरा सर्किट में घुमा के वापस बी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो वी ए माइनस वी बी is equal to work done AB divided by charge. ये फॉर्मूला आपका आ गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर टू पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज क्लोज सर्किट. अभी सर्किट का मैं दो प्रकार बताऊंगा आप लोगों को, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट का. बट
फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी टाइम मैक्सिमम टाइम वी डील विद व्हाट क्लोज सर्किट, क्योंकि क्लोज सर्किट के ही दो टर्मिनल में क्या एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक चीज भी हो सकता है, अब सर आप लोगों को ये होगा कि सर एक क्वेरी होगा कि सर यू आर सेइंग दैट दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस का तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अभी मान लो कि की प्रेस्ड नहीं है, की क्लोज्ड नहीं है, ओपन है, अब ए और बी के बीच में क्या रहेगा, अब क्या रहेगा ए और बी के बीच में, एनी आइडिया? ये जो गैप रहेगा ना इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या फोर्स बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दोनों के बीच का डिफरेंस को देखिए, इसको मैं पूरा डिटेल्स में आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बताऊंगा। दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, व्हेन द की इज क्लोज्ड, व्हेन द की इज क्लोज्ड, क्लोज जब है तब दोनों पॉइंट के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब की ओपन है तब क्या एग्जिस्ट कर रहा है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ट्वेल्थ में इसका बहुत बड़ा रेफरेंस है आपके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ एक पूरा टॉपिक आता है। So whichever you are studying now, you will be studying back again in 12. उसका extension आएगा, तो बहुत deep ही समझना है। मान के चलो कि this is just the foundation level, okay? So this is what is the outcome. Now let us move to numerical part. कुछ numerical देखते हैं। अभी दो चीज़ हम लोग दो topic देखा भी है। तो दोनों के बीच का एक दोनों का एक part बारी बारी numerical देखेंगे। I suppose you can note it down. So, numerical पहला वाला देखो, बोल रहा है a filament of an electric bulb। filament क्या होता है, किसी को आइडिया? filament जो होता है, जो ऑथेंटिक बल्ब नहीं होते थे ऑर्थोडॉक्स वाले, ये गोल वाले जो पीला पीला लाइट देता था, उसके अंदर में जो तार नहीं होता ऐसे बैंड वाला, वो तार का नाम होता है फिलामेंट। फिलामेंट वो टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं। उसके में भी आ रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है उसके में। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 0.4 कूलम करंट फॉर हाफ एन आवर। कितना टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए? हाफ एन आवर के लिए। सो फाइंड आउट द चार्ज कंज्यूम्ड। क्या क्या कैलकुलेट करना है कि चार्ज कितना कंज्यूम हो गया है, क्या कैलकुलेट करना, चार्ज कितना। चार्ज कंज्यूम या एक्यूमुलेटेड, वो कितना चार्ज कंज्यूम करेगा उस दौरान, सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही आसान सा है। हम लोग गिवन डेटास को लिख लेंगे, गिवन I इज इक्वल टू कितना 0.5 एम्पियर, फिर आपका क्या टाइम गिवन है, टी गिवन है, टी कितना गिवन है, हाफ एन आवर। हाफ एन आवर को हम लोग मिनट्स में लिखेंगे, कितना 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूला अपने पास क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव सीन। तो हम लोग को निकालना क्या है, चार्ज q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इनटू t। सो i इनटू t करो क्या होगा, i का 0.5 है, टाइम का कितना है 30 है, मिनट्स को अगर सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आउटकम कितना होगा, ये 1800 हो गया इनटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 00 कैंसिल, 9900 कूलम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, ये आसान सा क्वेश्चन था जिसका सलूशन हम लोगों ने देखा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने निकाला क्या, फाइनली चार्ज को निकाला, चार्ज कितना आया अपने पास 900 कूलम। कूलम किसका यूनिट है, किसका कूलम है, चार्ज का यूनिट। एम्पीयर किसका यूनिट है, करंट का। तो ये सॉल्यूशन था सिंपल फॉर्मूला के ऊपर, में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में हम लोग को आसान से ही धीरे धीरे टफ लेवल पर मूव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी शुड बी गिवन टू अ 5 कॉलम चार्ज। 5 कॉलम, ये सी मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, 5 कॉलम चार्ज, सो दैट इट पासेस थ्रू अ 12 वोल्ट बैटरी। क्या चीज बताया था मैंने बैटरी, अभी बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिक पावर सोर्स है, उसका वोल्टेज आपको गिवन है। क्या है, छोटा सा डायग्राम अपन देख सकते हैं साइड में, देखते हैं। तो क्या है, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए एम्पियर है, एमीटर है, जिसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये क्या है, वही कनेक्शन है जहाँ पे बैटरी का 2 टर्मिनल, हम लोग को फिर वही ऑथेंटिक स्टाइल है, वही सेम है, वही चीज है, वो दिखेगा, ठीक है। तो ये करंट फ्लो हुआ वापस आके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुआ। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना गिवन है, वोल्टेज कितना गिवन है, गिवन है 12 वोल्ट, कितना वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, और बोल रहा है चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, 5 कूलम। फिर सेम सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है, गिवन क्यू इज इक्वल टू 5 कूलम, और आपको वोल्टेज क्या गिवन है, 12 वोल्ट। क्या फॉर्मूला बैठेगा स्टूडेंट्स, कौन सा फॉर्मूला, अभी जस्ट बता रहा, क्या फॉर्मूला है कि हम लोग को क्या पता है कि वोल्टेज वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्या, चार्ज ट्रांसफर, वर्क डन बाय चार्ज ट्रांसफर। तो वर्क डन की जगह में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माइंड इट, देखो हाउ मच क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एनर्जी, कितना एनर्जी हम लोग को चाहिए ताकि एक 5 कूलम का चार्ज क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट की बैटरी से पास हो जाएगा। तो हम लोग वर्क डन को पहले कैलकुलेट करते हैं, आते हैं सॉल्यूशन पे, पहले वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, वी मतलब वोल्ट, क्यू मतलब चार्ज, अपने पास दोनों का वैल्यू गिवन है, कितना कितना है, 12 है, और क्यू क्या गिवन है, 5, 12 का कितना, 60 वर्क डन, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, जूल किसका यूनिट है, जूल किसका यूनिट है, जूल यूनिट है आपका वर्क डन का। तो हम लोग को वर्क डन तो मिल गया, लेकिन एनर्जी का क्या करें, एक चीज आपको मैंने क्लास 9th में भी बताया था, याद करो क्या बताया था कि वर्क डन एंड एनर्जी हैज सेम डायमेंशन, सेम यूनिट का होता है, दैट मींस वर्क डन कैलकुलेट हो गया तो क्या कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली, एनर्जी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर रख कर रहा हूं ताकि मैं नेक्स्ट लाइन उधर में लिख सकूं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू कितना, 60 जूल। तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उधर तक ही आज का टॉपिक हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन ताकि चर्चा रहे जो चीज हम लोगों ने सीख लिया, टू गेट इन टच विद द थिंग्स आई हैव पुट फॉर यू अ स्मॉल क्वेश्चन, जस्ट ट्राई इट एज अ होमवर्क, ओके। मैं आशा करता हूँ बहुत ही आसान स्टेप्स में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, सेम डेटा थोड़ा सा डिफर कर रहा है। आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाओगे, डेटा बैठाओगे किस पे, फॉर्मूला पे, यू विल गेट द आउटकम। सो आज इतना तक ही, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।